₹900 प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, ₹900 प्रति किलो गुणकारी कत्था, ₹90,000 प्रति किलो शीतल चंदन तेल, ₹2,60,000 प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम विवादों के बीच आज यूपी की समन्वय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक और कैबिनेट में फेरबदल को लेकर यह बैठक और भी अहम मानी जा रही है। इससे पहले केंद्र के आर्थिक सुधारों के फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी मोहर लगा दी थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के यूपीए से अलग होने के बाद समन्वय समिति की पहली बैठक है। तृणमूल ने मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई, डीजल की कीमतों में वृद्धि और रसोई गैस सिलेंडर की राशनिंग के विरोध में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो सेवन रेस्कोर्स पर जारी ये बैठक कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। यूपीए के तमाम जो आला नेता है वो मौजूद है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर भी इस दौरान चर्चा होगी। साथ ही कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी बातचीत किए जाने की बात कही जा रही है। सीधे रुख करते हमारे संवाददाता राहुल डब्बास की तरफ जो दिल्ली में मौजूद है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे यूपी समन्वय समिति की जो बैठक आज हो रही है कितनी अहम है और इस बैठक से फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए गायत्री, अगर इस बैठक की अहमियत के बारे में बात की जाए, टीएमसी के जाने के बाद पहली बैठक है, चार प्रमुख विषय रहेंगे इस बैठक की बात की जाए। पहला विषय रहेगा कि जो निजीकरण का दौर की शुरुआत हो चुकी है, जो आर्थिक सुधार कहा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री और कड़े सुधार करने पड़ेंगे, वो क्या सुधार हो सकते हैं और क्या उसमें यूपीए में सर्वसहमति बन पाएगी। ये कहा जा रहा है कि पेंशन में एफडीआई का निवेश होना चाहिए, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई को लाना चाहिए, जो फिलहाल 26% के आसपास बना हुआ है, उसमें सहमति लाने की कोशिश की जाएगी। और आज ही 1 बजे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है दिल्ली में ही प्रधानमंत्री निवास पर। उससे पहले यह बैठक काफी अहम हो जाती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट यानी भूमि सुधार के लिए जो अधिनियम बनाया जा रहा था, जो बड़ा मुद्दा था, राहुल गांधी ने जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया था तब भी, उसके ऊपर सर्वसहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। एनसीपी और कांग्रेस का संकट कम से कम मीडिया हलकों में न आए, इसके ऊपर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और जो माना जा रहा है कि 27 अक्टूबर के आसपास यानी अब से तकरीबन 1 महीने बाद कैबिनेट का बड़ा रिशफलिंग होने वाली है, उनमें एनसीपी कोटे से और डीएमके कोटे से कितने एमओएस आ सकते हैं, उसके ऊपर एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल बैठक हो रही है। जी जी राहुल, जिस तरह से इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है, कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और क्या इस बैठक के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी दी जाएगी आधिकारिक तौर पर? देखिए आमतौर पे जो ब्रीफिंग होती है वो ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होती है। पी चिदम्बरम बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कई बार ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और कई बार जो कैमरे लगे होते हैं सेमिनार जो हमारे दाईं तरफ है वहां पर जो कैमरे लगे होते हैं वहां पर आके ब्रीफिंग की जाती है, लेकिन ऑफिशियल ब्रीफिंग यूपीए और कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की नहीं होती है। हालांकि जो जीओएम होने वाली है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग शास्त्री भवन में की जाने की पूरी संभावना है। लेकिन शरद पवार की बात करें, शरद पवार इस बैठक में मौजूद है तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी यूपीए जस का तस संयुक्त बना हुआ है, टीएमसी के जाने के बाद भी गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री निवास से। जी गायत्री जी बिल्कुल, राहुल आप नजर बनाए रखिए, आपके रुक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपीए समन्वय समिति की जो बैठक है वो चल रही है सेवन आरसीआर पर और इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चा हो सकती है इस दौरान। इसके अलावा जो मसला है वो है महाराष्ट्र
सरकार पर जो लगातार संकट मंडरा रहा है, जो सियासी उठापटक चल रही है, उसको लेकर भी बातचीत होगी। और आपको बता दें 1 बजे जीएम की बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले इस बैठक का होना अपने आप में बेहद अहम है। और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर ये कि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के बचाव में पार्टी उतर आई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गडकरी को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला दबाने पर सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल बुधवार को आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने खुलासा किया था। उन्होंने विपक्ष के नेता को घोटाले की सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने शरद पवार से व्यापारिक रिश्ते की दुहाई देकर मामले को दबाने की बात कही थी, ये कहा था अंजलि दमानिया ने, जिसके बाद लगातार सवाल उठ खड़े हुए थे नितिन गडकरी को लेकर। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया था। खुद नितिन गडकरी ने कहा था कि वो अंजलि दमानिया को जानते ही नहीं है। एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गडकरी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो गडकरी के खिलाफ रची गई है साजिश, ये कहना है बीजेपी का, कांग्रेस ने रची है साजिश। अंजलि दमानिया के आरोपों पर सफाई दी है बीजेपी ने। आपको बता दें नितिन गडकरी से जब अंजलि दमानिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अंजलि दमानिया को जानते ही नहीं, जबकि अंजलि दमानिया दावा कर रही है कि उन्होंने नितिन गडकरी के साथ 3 बार मुलाकात की है। सिंचाई परियोजना का जो घोटाला मामला है उसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। मैं बताना चाहता हूं ये आरोप बेबुनियाद है, ना ऐसी कोई मीटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी का पवार जी के पार्टी के साथ कोई एनसीपी के साथ हमारी लड़ाई है। कांग्रेस और एनसीपी मिलकर देश को और महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, इसके खिलाफ हम सदन में महाराष्ट्र के दोनों सदनों में और लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस, हमारे किरीट सोमैया, हमारे दोनों विपक्ष के नेता और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, महाराष्ट्र के कार्य समिति ने अनेक बार ये इरिगेशन के घोटाले का विषय उठाया है। तो इसलिए जो लड़ रही है पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एनसीपी और कांग्रेस के, उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई स्टोरी करेंगे, मुझे तो लगता है यह कांग्रेस का ही षड्यंत्र है। उधर मुरादाबाद से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ जनता का जो गुस्सा है वो पूरे उबाल पर है और यही वजह है कि नाराज लोगों ने सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और पुतला भी फूंका। ये लोग अपने सांसद की ढूंढ करने के बाद पूरी तरह से थक चुके हैं और अब फिर वो कमिश्नर के पास पहुंचे और उनसे तलाश करने की गुजारिश की है ताकि मुरादाबाद का विकास में वो अपना योगदान दे सके और किए गए वादे को पूरा कर सके। का पुतला भी फूंका, तस्वीरें आपके सामने। मुरादाबाद की तरफ से कांग्रेसी सांसद अजहरुद्दीन और जिले के लोग उनकी तलाश में जुटे हैं। जब उन्हें अजहरुद्दीन नहीं मिले तो वो सीधे प्रशासन के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि उनके सांसद को ढूंढा जाए ताकि इलाके का विकास हो सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस। तक किट था था। कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। It's magic. Whoa, oh, 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 yeah. It's magic.
Meeta Magic from PassPass. It's Meeta. It's magic. सपा सरकार के घोषणा पत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए आज से कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत। झांसी के इंटर कॉलेज ग्राउंड में सीएम अखिलेश यादव कन्याओं को देंगे योजना के चेक। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया के गडकरी के एनसीपी से रिश्तों से तिलमिलाई। बीजेपी ने किया पलटवार, कांग्रेस की बताई बदनाम करने की साजिश। यूपी की समन्वय समिति की बैठक आज। महाराष्ट्र संकट और कैबिनेट की फेरबदल को लेकर हो सकती है चर्चा। मास सरकार के पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव पर अब लगे रेप के आरोप। पीड़ित महिला ने डीजीपी और महिला आयोग से लगाई गुहार। कानपुर में 5 आंगनबाड़ी टीचर्स को जीप ने रौंदा, 3 महिलाओं की मौत, 2 की हालत गंभीर। गुस्साई महिलाओं ने किया हंगामा। यूपी में नए गैस कनेक्शन पर लगी रोक, अब नहीं मिलेगा डबल कनेक्शन भी। सब्सिडी के 6 सिलेंडर के बाद 793 रुपए में मिलेगा 7वां सिलेंडर। बांदा में तिंदवारी में कर्ज की भेंट चढ़ाई कौर किसान। 4.5 लाख के कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने की खुदकुशी, साहूकार कर रहे थे परेशान। फिरोजाबाद में सरसों के तेल से भरे एक ट्रक में लगी भीषण आग, 30 लाख का तेल जलकर खाक। मुरादाबाद से सांसद अजहरुद्दीन हुए गायब, नाराज जनता ने कमिश्नर से लगाई सांसद साहब को ढूंढने की गुहार। और गोरखपुर में जारी इंसेफेलाइटिस का कहर, पिछले 24 घंटों में 10 बच्चों की मौत। इश्क चांदी है, इश्क सोना है। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 है जवानी तो इश्क होना है। पाकिस्तान की खूबसूरत विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो के इश्क के चर्चे सोशल मीडिया में खूब हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों राजनीति के साथ साथ इश्क भी परवान चढ़ रहा है। पाकिस्तान में हिना और बिलावल का लव इन राष्ट्रपति भवन इन दिनों काफी चर्चा में है। चांदी है, इश्क सोना है। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 है जवानी तो इश्क होना है। पाकिस्तान में इन दिनों इश्क मोहब्बत की बयार चली है। राजनीति छोड़ सभी की नजर हिना बिलावल के प्यार के किस्सों पर ही है। हर कोई बस उन्हीं के अफेयर में दिलचस्पी लेता नजर आ रहा है। क्या है ये पूरा माजरा, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में इन दिनों किसी बात की चर्चा है तो वो है सिर्फ प्यार मोहब्बत की। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर। यहाँ की फिजाओं में सिर्फ मोहब्बत का ही सुरूर है। जी हाँ, आजकल पाकिस्तान में विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच इश्क परवान चढ़ रहा है। और दोनों प्यार में इस कदर खो चुके हैं कि शादी करने का फैसला भी कर लिया है। बांग्लादेश के ब्लिट्स टेब्लॉयड ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर छापी है कि पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल विदेश मंत्री हिना से शादी करने पर अड़े हुए हैं, जिससे बिलावल और उनके पिता के बीच तनाव पैदा हो गया है। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। जरदारी को हिना और बिलावल के अफेयर के बारे में तब पता चला जब उन्होंने दोनों को राष्ट्रपति भवन में अकेले मिलते देखा।
जरदारी ने दोनों के फोन कॉल्स का भी रिकॉर्ड निकलवाया, जिससे दोनों के अफेयर की बात पुख्ता हो गई। हिना और बिलावल के रिश्ते का सच उस समय और भी उजागर हो